इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वाईफाई को हैक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के भी वाईफाई को हैक कर सकते हैं, और दोस्तों बिल्कुल ही 100% रियल ट्रिक है। आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा और ये बिल्कुल ही काम करेगी आपके फोन में। दोस्तों हमने कई तरह की वाईफाई हैक करने की फेक ट्रिक्स देखी होंगी, जो दावा तो करते हैं कि वो वाईफाई को हैक कर सकते हैं, पर बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल ही बकवास ट्रिक्स होती हैं। उससे कुछ होता है नहीं, बिल्कुल भाई उनसे कोई वाईफाई हैक होता नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही 100% रियल है, इससे आप किसी भी के भी वाईफाई को हैक कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी किसी का वाईफाई हैक करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा, और दोस्तों इस वीडियो के एक एक स्टेप को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, तभी आप किसी के वाईफाई को हैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमने प्ले स्टोर में पहले चले जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपने ऊपर लिखना है यहाँ पर ES फाइल। जैसे ES फाइल, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा था, तो मैं आपको फिर भी दोबारा लिख के बता देता हूँ। ES फाइल, जैसे आप ES फाइल लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ऑप्शन आ गया है, ये वाला ऐप हमने डाउनलोड कर लेना है। ES फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रख रखा है, इसलिए मैं इसको सीधा बैक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको बैक करता हूँ, अब मैं आपको दूसरा ऐप बता देता हूँ जो आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे VPS WPA। जैसे आप सिर्फ यही लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा, आपने ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपने बिल्कुल बैक चले जाना है, तो आपने बिल्कुल ही बैक चले जाना है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपना वाईफाई खोल के दिखा देता हूं। दोस्तों ये देखिए मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ हुआ है, ये परविंदर ऐप्स वाला, ये मेरा वाईफाई है और मेरा कोई वाईफाई यहां पर नहीं है। तो मैं आपको किसी का और का वाईफाई यहां पर हैक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये ट्रिक को पूरी और ध्यान से देखिएगा, तभी आप किसी का वाईफाई हैक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने करना है क्या, आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जैसे ही जाएंगे आप, तो आपने यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना है। जैसे आप सबसे नीचे जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। स्टेटस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो आपके फोन में भी ये होगा, तो आपने इस पर दबा के रखना है। जैसे आप इस पर दबा के रखेंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहां पर लिखा हुआ आ गया, मतलब ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों ये जैसे टेक्स्ट कॉपी होगा, दोस्तों अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं है टेक्स्ट कॉपी का, कॉपी आपके फोन में नहीं हो रहा है, तो आप किसी कॉपी पे इसको लिख लीजिए, जिससे आप उस फाइल मैनेजर में इसको उतार पाए। तो दोस्तों अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूं, आपने क्या करना है। जो आपने फाइल मैनेजर वाला ऐप डाउनलोड किया था, आपने उसको ओपन कर लेना है। हम उसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों, हम उसको ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पर है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मिल चुका है ये ES फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों हमने इस फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस खुल चुका है। तो आपने अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूं आपने करना क्या है। तो दोस्तों आपने करना क्या, आपने इंटरनल स्टोरेज आप देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटरनल स्टोरेज क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में तीन डॉट बनी हुई आ रही है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं, तो आपने इसमें से फाइल वाले पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ध्यान से आप फाइल वाले पे ही क्लिक कीजिएगा। जैसे आप फाइल वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप न्यू फाइल बना सकते हैं। तो आपने जो सीरियल की वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए सक्सेसफुली ये नीचे सबसे नीचे ZY223B8N62 ये कॉपी यहाँ पर होके फाइल बन चुका है। तो दोस्तों हमारा ये स्टेप पूरा हो चुका है, अब ES फाइल मैनेजर में हमारा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये स्टेप पूरा हो चुका है, अब मैं आपको आपका अगला स्टेप बता देता हूँ आपने क्या करना है। तो दोस्तों हम इससे बैक चले जाते हैं, बैक बिल्कुल आपने बैक चले जाना है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, जो आपने VPS VPA टेस्टर डाउनलोड किया था आपने उस पर क्लिक चले जाना है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों VPA टेस्टर आपने ओपन कर लेना है यहाँ पर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने एग्री कर देना है इसको। दोस्तों अब ऑप्शन आएगा अपनी लोकेशन ऑन करने का, तो दोस्तों आपने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आप तीन तरह के फिर ऑप्शन देखेंगे, ऑरेंज रेड और ग्रीन। दोस्तों ग्रीन वाला ही हैक होगा, इसलिए आपने इसको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं, कनेक्ट ऑटोमेटिक पिन का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्राई टू कनेक्ट विदाउट रूट, दोस्तों बिना रूट के कनेक्ट हो रहा है वाईफाई। तो दोस्तों अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों आपको भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल भी कट करूंगा तो मुझे पता है आप नीचे मैसेज में लिखेंगे कि मैंने इसको कट किया और फिर पासवर्ड डाल दिया, ये बिल्कुल ही फेक ट्रिक है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने हुआ है और ये वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों बिल्कुल ही 100% रियल ट्रिक है, दोस्तों इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, आप भी इससे जरूर किसी का वाईफाई हैक कर पाएंगे। तो दोस्तों जो भी इस ट्रिक से वाईफाई को हैक कर पाएगा वो मुझे इस मैसेज के
नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि मेरा वाईफाई हैक हो चुका है। दोस्तों बिल्कुल ही रियल ट्रिक है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी फेक नहीं है। दोस्तों बस जो मैंने आपको स्टेप बताया उसी स्टेप के फॉलो करना, बिल्कुल ग्रीन वाले पे ही क्लिक करना, वही वाईफाई हैक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को